हर हर महादेव। जय माता रानी। दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल शांति गंगा। दोस्तों मंदिर या घर के पूजा घर में आपने देखा होगा गरुड़ घंटी को। मंदिर के द्वार पर और विशेष स्थानों पर घंटी या घंटे लगाने का प्रचलन प्राचीन काल से ही हो रहा है। दोस्तों घंटी विशेष प्रकार का नाद होता है जो आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है। यह घंटे या घड़ियां चार प्रकार की होती है दोस्तों। पहली गरुड़ घंटी, दूसरी द्वार घंटी, तीसरी हाथ घंटी और चौथा होता है घंटा। दोस्तों पहली के बारे में जानते हैं, गरुड़ घंटी। गरुड़ घंटी छोटी सी होती है जिसे एक हाथ से बजाया जा सकता है। द्वार घंटी, यह द्वार घंटी क्या होती है दोस्तों, यह द्वार पर लटकी होती है। यह बड़ी और छोटी दोनों ही आकार की हो सकती है। तीसरी है दोस्तों हाथ घंटी। पीतल की ठोस एक गोल प्लेट की तरह होती है जिसको लकड़ी के एक गद्दे से ठोक कर बजाते हैं। चौथी है दोस्तों घंटा। यह बहुत बड़ा होता है, कम से कम 5 फुट लंबा और चौड़ा। इसको बजाने के बाद आवाज कई किलोमीटर तक चली जाती है। गरुड़, भगवान गरुड़ को विष्णु का वाहन और द्वारपाल माना जाता है दोस्तों। अधिकतर मंदिरों में मंदिर के बाहर आपको द्वार पर गरुड़ भगवान की मूर्ति मिलेगी। दक्षिण भारत में मंदिरों में अक्सर इसे देखा जा सकता है। आखिर यह घंटा या घंटा क्यों रखा जाता है, क्या कारण है इसका, आइए दोस्तों इसके बारे में जानेंगे। ऐसे 5 रहस्य जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखे या सुने होंगे। दोस्तों हिंदू धर्म सृष्टि की रचना में ध्वनि का महत्वपूर्ण योगदान मानता है। ध्वनि से प्रकाश की उत्पत्ति और बिंदु रूप प्रकाश से ध्वनि की उत्पत्ति का सिद्धांत हिंदू धर्म का ही है। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब जो नाद या घंटी की ध्वनि को उसी नाद का प्रतीक माना जाता है। यही नाद ओंकार के उच्चारण से भी जागृत होता है। दोस्तों दूसरा रहस्य या कारण है, जिन स्थानों पर घंटी बजने की आवाज नियमित आती है वहां का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र बना रहता है। इससे नकारात्मक शक्तियां हटती हैं। नकारात्मकता हटने से समृद्धि के द्वार खुलते हैं। प्रातः और संध्या को ही घंटी बजाने का नियम है, वह भी लयपूर्ण तरीके से। दोस्तों तीसरा रहस्य है, घंटी या घंटे को काल का प्रतीक भी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जब प्रलय काल आएगा तब भी इसी प्रकार का नाद यानी आवाज प्रकट होगी। दोस्तों जिन स्थानों पर घंटी बजने की आवाज नियमित आती है वहां का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र बना रहता है। इससे नकारात्मक शक्तियां हटती हैं और नकारात्मकता हटने से समृद्धि के द्वार खुलते हैं। दोस्तों पांचवा कारण है, स्कंद पुराण के अनुसार मंदिर में घंटी बजाने से मानव के 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और यह भी कहा जाता है दोस्तों कि घंटी बजाने से देवताओं के समक्ष आपकी हाजिरी लग जाती है। तो आपने जाना कि किस तरह से हमारे हिंदू धर्म में घंटी का प्रावधान है, घंटी बजाने का चलन है। तो ये प्रचलन या चलन ऐसे ही नहीं है दोस्तों, इसके पीछे जो रहस्य जो कारण थे, 5 ऐसे कारण उनके बारे में मैंने आपको बताया। तो दोस्तों यदि आप भी अपने पूजा घर में घंटी रखे हुए हैं या फिर नहीं रखे हुए हैं, अगर इसका आप प्रयोग नहीं करते तो आपको आज से ही प्रयोग शुरू कर देना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों संध्या के समय और सुबह प्रातः के समय आपको अपने पूजा घर में पूजा करते हुए घंटी जरूर बजानी चाहिए, वो भी एक लय में घंटी बजानी चाहिए। आप ऐसे ही उसको ना बजाएं दोस्तों, तो इससे आपके घर में सकारात्मकता आएगी, धन की वृद्धि होगी और इसके अलावा दोस्तों आपको अपने ईश्वर की, अपने इष्ट की आरती भी जरूर करनी चाहिए। आरती से भी दोस्तों बहुत फ़ायदे होते हैं, इसीलिए आरती करते समय घंटी बजाई जाती है जिससे आपको दोगुना फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों आप अगर ये काम नहीं करते तो आज से ही अपने मंदिर में, अपने घर में घंटी बजाना शुरू कर दीजिए और आरती भी करना शुरू कर दिए। उससे आपका ओरा भी स्ट्रांग होता है, आप बलशाली, आप ओजपूर्ण बनते हो। दोस्तों जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों छोटी छोटी जानकारियां मैं आपको देती हूं और इसी तरह की जानकारियां आपको हमेशा मिलती रहें इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ अगर इसे शेयर करेंगे तो उन तक भी ये जानकारी ज़रूर पहुँच जाएगी, जो कि पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों वीडियो आपको
कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा करूंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।